हाय गाइस वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके के माई सेल सुमन और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्ज़ाम जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तैन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके धन करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनाइजेशन लेवल इज मेजर नॉर्मली इन टर्म ऑफ ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है कि मैकेनाइजेशन लेवल है उसे नॉर्मली किस टर्म में मेज़र करते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर है सी ठीक है के डब्ल्यू पर हेक्टेयर ठीक है उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इन इंडिजीनियस प्लाउ जो इंडिजीनियस प्लाउ है डेस्टेस इसे नैरो स्टील बार अटैच टू द अपर सरफेस इसकी अपर सरफेस पे क्या अटैच होता है एक नैरो यानी कि बहुत ही तीखी स्टील बार अटैच होती है ऑफ uh, विच पेनीट्रेट पेनीट्रेट को मेन क्या होता है जैसे कि ये सॉइल की सरफेस है इसे आई मीन चीप देती है इसे पेनीट्रेट uh, कर देती है ठीक है हिंदी में जिसे विभेदित करना बोलते हैं इन टू द सोइल एंड ब्रेक इट और उसे क्या कर देती है तोड़ देती है ठीक है तो uh, वो पार्ट कौन सा है इंडिजीनियस प्लाव का दैन इसका राइट right आंसर है ए नंबर शेयर ठीक है जो नुकीला भाग होता है आगे वाला तीखा ठीक है उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन क्रोपिंग सिस्टम इज मोडिफाइड टू मोडिफाइड टू फैसिलिटेट मैकेनाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इज नोन एज ठीक है उसे क्या किस नाम से या फिर उसे uh, क्या कहा जाता है देन थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है जो वो है डी ठीक है डी कौन सा है क्रॉपिंग सिस्टम अडोप्शन बोला जाता है ठीक है देन उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे इन एम बी प्लाउ जो एम बी प्लाउ है मोल्ड बोल प्लाउ है डैश डैश इज़ द पार्ट ऑफ द प्लाउ यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़ा गया है यानी कि डैश डैश इज द पार्ट ऑफ प्लाउ यानी कि यह एक पार्ट है प्लाउ का टू विच ऑल अदर पार्ट्स आर अटैच जिससे कि बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो सब अटैच होते हैं तो वो कौन सा है इसका फर्स्ट uh, जो ऑप्शन है वो है मोल्ड बोर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वन मिनट इसे थोड़ा और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा है फ्रॉग और उसके बाद में है गनल और फिर कौन सा है लैंडसाइड ठीक है तो फोर नंबर क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर कौन सा है फ्रॉग ठीक है फ्रॉग से बाकी सब जो पार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं अटैच होते हैं ठीक है उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द डेस्टेस्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन सच ए वे दैट प्लांट रेजिड्यू और अदर मल्चिंग मैटील्स आर स्पेशली लेफ्ट ऑन और नीयर द सर्फेस ठीक है ऐसी uh, कौन सा टीलेस का टाइप है जिसमें कि uh, जो प्लांट मटीरियल्स रेजिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं सरफेस के पास में बच्चे रह जाते हैं या फिर जिनको छोड़ दिया जाता है तो इसका आंसर कौन सा है ए मल्स ठीक है मल्चिंग में मल्स टीलेस में फिर है डेस्टेस इज द कंबिनेशन ऑफ रिज और रेजिस्टेंस बॉडीज हैविंग डेफिनेट मोटिशन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन सा है सी नंबर मशीन ठीक है तो ऐसे होगा मशीन इज द कम्बिनेशन ऑफ रिच और रेजिस्टेंस बॉडी हैविंग डेफिनाइट मोटिशंस एंड कैपेबल टू परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क ठीक है और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इन टलेस डेस्ट इज ए रेज रिज लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड वेन प्लाविंग स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू साइड ठीक है सेंटर से साइड की तरफ जब प्लाविंग को स्टार्ट करती हैं तो रिज जो होती है वो आ, मतलब लेफ्ट होती है तो आ, इस आ, उसके बाद में जो बनता है जो पार्ट बनता है उसे क्या बोलती हैं तो सेवन नंबर जो क्वेश्चन है उसका है बैक फ्रो ठीक है बैक फ्रो बोलती हैं एट नंबर क्वेश्चन है द डैश टेस्ट कॉन्सिस्टेंस ऑफ ड्रॉपिंग द सीड इन फ्रो ठीक है ड्रॉपिंग uh, मीन डालना या फिर uh, उसके अंदर डालना यानी कि ये देखो इसने बोला है कि जो सीड्स है उसको किस में डालना फ्रो में ठीक है फिर है लाइंस इन ए कॉन्टिन्यूस फ्लो एंड कन्वर्टिंग दैम बाय सोइल ठीक है और उसे क्या करना है सोइल के द्वारा कन्वर्टिंग करना तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलती हैं तो एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसे ड्रिलिंग बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं ड्रिलिंग उसके बाद में है इन सीड ड्रिल कप फीड मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ ठीक है जो ड्रिल मशीन है उसमें जो कप फीड है जो मैकेनिज्म है वो किससे एसोसिएटेड है किसके लिए यूजफुल है तो किसके लिए सीड मीटरिंग सिस्टम ठीक है और उसके बाद में है द डैशेस्ट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीड्स ठीक है डिस्ट्रॉयड पर यूनिट एरिया टू टोटल नंबर ऑफ वीड्स पर यूनिट एरिया बिफोर वीडिंग तो उसे क्या बोला जाता है इसका राइट right आंसर है वीडिंग एफिशिएंसी ठीक है वीड्स कितनी है उसके बाद में है इन स्प्रेयर्स जो स्प्रेयर्स होते हैं डैश टेस्ट इज इंटेंडेड टू ब्रेक अप द लिक्विड इनटू स्प्रे विच इशू आउट थ्रो एन एपरेटर इन द डिस्क ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन सा है फर्स्ट इसका ऑप्शन है बूम ठीक है और सेकंड ऑप्शन इसका है नोजल फिर है लेंस और फिर है नन ऑफ दिस तो इलेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है बी नंबर नोजल ठीक है तो उसके बाद में है डिफोलिएशन इन कॉटन क्रॉप इज डन सो एज टू डिफोलिएशन जो कॉटन में होता है वो किससे डन किया जाता है तो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए मिनिमाइजिंग ग्रीन लेपस्टेन्स के द्वारा ठीक है उसके बाद में है इन सेवरल इनसेवरल लोडगेड क्रॉप्स रिकवर इज मैक्सिमम इन तो जो थर्टीन नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी यानी कि फ्लेल शेडर्स ठीक है उसके बाद में है इन ए पिटमैन ड्राइव मूवर विद ए वन हंड्रेड फाइव सेंटीमीटर पिटमैन रोड एंड थर्टी सेंटीमीटर ऑफ सेट पिटमैन रोड एंगल एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रोक विल बी ठीक है तो कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन से स्ट्रोक पे जाके वो एंड हो जाता है तो फोर्टीन नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स डिग्री ठीक है उसके बाद में है फिफ्टी नंबर क्वेश्चन The uncut crop is separated from the crop to be cut in a grain combined by ठीक है किसके द्वारा मतलब कट किया जाता है क्रॉप्स को तो उसके बाद में है डिवाइडर्स के द्वारा ठीक है कंबाइन में जो डिवाइडर्स बनी होती हैं फिर उसके बाद में इन केस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर जो कंबाइन मशीन होती है जो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर है द रील इंडेक्स शुड बी इन द रेंज ऑफ जो रील इंडेक्स है वो किस रेंज में होता है तो किस रेंज में होता है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू वन पॉइंट फाइव ठीक है उसके बाद में है द थ्रेसिंग सिलेंडर विच इज़ ए मोडिफिकेशन ऑफ द चेफ कटर इज ठीक है जेफ कटर होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं थ्रेसर सिलेंडर्स के अंदर तो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं सेंडिकेटर टाइप का ठीक है उसके बाद में है द थ्रेसिंग, सि, थ्रेसिंग सिलेंडर इन स्मॉल राइस थ्रेसर आज यूजली ऑफ ठीक है जो थ्रेसिंग सिलेंडर होती हैं वो स्मॉल राइस थ्रेसर में किस तरह से यूज में लिए जाती हैं तो इसका राइट आंसर है वियर लूप टाइप के ठीक है वियर लूप टाइप के इसमें यूज में लिए जाते हैं स्मॉल राइस में फिर है 19 नंबर क्वेश्चन जो कि है द डैश टेस्ट इज डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ मशीन वैन कंपेयर विद स्टैंडर्ड कोड अंडर आइडियल एंड रिपीटेड कंडीशन ठीक है तो उसे क्या बोलती हैं 19 नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है बी टेस्टिंग बोला जाता है ठीक है उसके बाद में है इफ़ नंबर ऑफ कनीवेज इन ए सिलेंड्रिकल कटर सिलेंड्रिकल कटर के अंदर जो क्वेस होते हैं उनके नंबर हैड इज डबल देन द थल कैपेसिटी इन ए फोरेज हार्वेस्टर विल बी ठीक है अगर उसको डबल कर दिया जाए देन उसे क्या बोल लेंगे उस आ, फोरेज हार्वेस्टर को ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी सेम ठीक है तो उसके बाद में है ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन इफ एन इंजन ऑपरेटर इज ऑपरेटर एट 500 हंड्रेड आर पी एम इट इज़ कंसिडर्ड एज डेस्ट डे स्पीड इंजन अगर कोई इंजन ऑपरेटर है जो कि पाँच सौ आर पी एम की स्पीड से है तो उसे मतलब किसी स्पीड इंजन की कैटेगरी में रखा जाएगा हाई बोला जाएगा या लो बोला जाएगा तो इसका राइट right आंसर है मीडियम ठीक है वो मीडियम कैटेगरी का होगा उसके बाद में इन स्पार्क इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजनस होते हैं द कम्पर्सन रेशियो इज़ इन रेंज ऑफ जो कम्पर्सन रेशियो होता है उसकी रेंज क्या रहती है स्पार्क इग्निशन इंजन, इंजन के अंदर तो क्या रहती है फोर रेशियो वन से एट रेशो वन रहती है ठीक है उसके बाद में ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन इन फोर स्ट्रोक डीजल इंजन टू टाइप्स के होते हैं एक होता है टू स्ट्रोक और एक होता है फोर स्ट्रोक इसने बोला फोर स्ट्रोक डीजल इंजन इफ़ द वैल्यूज ऑफ सिलेंडर स्पीड स्ट्रोक एंड बोर आर ट्वेंटी फोर मीटर पर मिनट्स और 30 एम एम एंड ट्वेंटी फाइव एम एम रिस्पेक्टिवली द सिलेंडर स्पीड विल बी डैश एस आर पी एम तो सिलेंडर की जो स्पीड होगी वो कितनी आर पी एम रहेगी ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए चार सौ आर पी एम रहेगी ठीक है उसके बाद में है इन ऑटोसाइकल जो ऑटोसाइकल होती हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ एयर एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी एंड थर्मल एफिशियसी आर जो एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी होगी वो तो होगी एटी परसेंट और जो थर्मल एफिशियसी होगी वो कितनी होगी सिक्सटी परसेंट ठीक है इट इज़ इट इज़ रिलेटिव एफिशियंसी विल बी डैश डैस रेशियो परसेंटिज तो कितनी होगी रिलेटिव एफिशियसी इसकी कितनी होगी रिलेटिव एफिशियंसी होगी सी सेवेंटी फाइव परसेंट ओके दैन उसके बाद में बात करते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन की ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है इन कार्ब्यूरेटर carburetor, जो कार्ब्यूरेटर्स होती हैं द डैस टैस इज ए बटरफ्लाई वाल जो बटरफ्लाई वाल्स होती हैं ऑपरेटर बाय हैंड लेवल हैंड लेवर और सम टाइम ऑटोमेटिक और रेस्ट्रिक्ट द एयर फ्लो एंड हैंड्स इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ फ्यूल इन एयर फ्यूल मिक्सचर ठीक है तो इसमें बनेंगा ये एक, एक नंबर चौक में ठीक है उसके बाद प्रोडक्शन एंड इग्निटेबल वेपर एयर मिक्सचर अबो द लिक्विड फ्यूल वेन एक्सपोज टू तो एन ओपन फ्लेम इज नोन एज फ्यूल तो उसे क्या बोला जाता है ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्लैश पॉइंट ओके उसके बाद में ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है इन द स्पार्क प्लग यूज इन बैटरी इग्निशन सिस्टम ऑफ एस आई इंजन ठीक है और द वोल्टेज प्लाइट द प्रोड्यूसिंग स्पार्क इज इन द रेंज ऑफ डैश डैश वी तो इसका राइट आंसर क्या है ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ट्वेंटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओके दैन उसके बाद में ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन है द डेस्टेस्ट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज़ यूज इन ट्रैक्टर किस टाइप के कूलिंग सिस्टम ट्रैक्टर में यूज किए जाती हैं एंड स्टेशनरी इंजन और किस टाइप के स्टेशनरी इंजन यूज किए जाती हैं विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट जो कि इस प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि हॉट वोटर राइज मतलब हॉट वोटर राइज होगा एंड कोल्ड वोटर गोस और कोल्ड वाटर जो है वो निकाला जाएगा डाउन ड्यू टू हाईवियर वेट हायर वेट के कारण ज्यादा वेट के कारण द ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्मोसेफोन ठीक है उसके बाद में है इन लुब्रिकेंट इन लुब्रिकेंट डेज डिस इंडिकेट द रेट एट विच इट थिंक आउट ऑफ आउट एज टेम्परेचर राइज और इट गेट्स हैवियर एज टेम्परेचर फॉल्स ठीक है तो ट्वेंटी नाइन नंबर का राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला ठीक है विस्कोस्टी इंडेक्स और उसके बाद में है इन इंट्रैक्टर कम्प्लीट पाथ हो पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजन टू वेल इस कॉल तो इसे क्या बोला जाता है ठीक है जो कम्प्लीट पाथवे होता है पावर ट्रांसमिशन का इंजन से लेके वेल तक तो इसे क्या बोलते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है पावर ट्रेन बोला जाता है ठीक है उसके बाद में थर्टी वन नंबर क्वेश्चन की बात करें थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है कि बैन ब्रेक्स आर कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स फॉर जो बैन ब्रेक्स यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में वो uh, किस लिए यूज किए जाते हैं तो थर्टी वन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है कीपिंग द व्हीकल स्टेशनरी ड्यूरिंग पार्किंग ठीक है पार्किंग के दौरान व्हीकल स्टेशनरी के लिए यूज किए जाते हैं फिर उसके बाद में विच ऑफ द फोलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम Uh, इनमें से कौन सा है जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का कंपोनेंट है ऑफ रियर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ठीक है व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के लिए तो थर्टी टू नंबर का राइट right आंसर है फर्स्ट डेफरें uh, जो डिफरेंशियल uh, है वो है ठीक है उसके बाद में है इन केस ऑफ ए मल्टीपल डिस्क क्लच ठीक है इफ़ एन वन आर द नंबर ऑफ डिस्क ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट एंड एन टू आर द नंबर ऑफ द डिस्क ऑफ द ड्राइविंग शाफ्ट जो कॉन्टेक्ट सरफेस का पेयर नंबर होगा वो क्या होगा तो क्या होगा uh, इसका राइट right आंसर है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए एन वन प्लस मी एन टू माइनस एन वन ओके उसके बाद में है हाइड्रोलिक ब्रेक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं फंक्शन करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर है पास्कल ला पे काम करती हैं ठीक है उसके बाद में है वेट ट्रांसफर इन ट्रैक्टर इंप्लीमेंट सिस्टम इज कॉज्ड बाय ठीक है वेट ट्रांसफर जो ट्रैक्टर में होता है वो इंप्लीमेंट किस सिस्टम के कारण होता है तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है एप्लीकेशन ऑफ पुल के कारण 36 नंबर है कौन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इज डिफिन यानी कि किस तरह से किया गया है है के को का उसके बाद में थ्री पॉइंट हिट किसके द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं ट्रैक्टर में तो थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर जो राइट right है वो है सी नंबर हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ओके okay. सॉरी, एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट फॉर डूइंग फार्म वर्क। एक जो नॉर्मल इंसान है एवरेज uh, कितना मतलब पावर uh, काम कर सकता है मैक्सिमम पावर की बात हो रही है फार्म uh, वर्क करने के लिए तो उसके लिए बताना है कि वो कितनी एनर्जी से काम कर सकता है थर्टी एट का राइट right आंसर है सेवन सेवेंटी फोर पॉइंट सिक्स डब्ल्यू ओके उसके बाद में है इफ वैल्यू ऑफ थियोर स्पीड एंड स्लीप आर जो थियोटिकल स्पीड uh, है उसकी वैल्यू होगी पॉइंट फोर्टी मिनट पर सेकेंड और जो स्पीड uh, स्लिप है वो कितनी होगी ट्वेंटी परसेंट इट एक्चुअल स्पीड विल बी ठीक है तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी तो थर्टी नाइन नंबर जो है उसका राइट right आंसर है सी यानी कि जीरो पॉइंट थ्री टू ठीक है उसके बाद में है दिव्यूज इन लुब्रिकेंट टू रिड्यूस द टेम्परेचर एट विच ऑयल बिकम टू थिन ठीक आर है? इसे क्या बोला जाता है जब लुप्लीकेंट्स का यूज किया जाता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए तो फोर्टी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है प्योर पॉइंटेंट ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन है द, द, दा को किस टर्म में मेजर किया जाता है तो किस टर्म में मेजर किया जाता है डेसीबल में मेजर किया जाता है ठीक है उसके बाद में है दशीनिज प्रॉपर्टी एक्सप्रेस द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ फुलफिल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके देन इसका राइट right आंसर क्या है फोर्टी टू नंबर का राइट right आंसर है रिलेबिलिटी और उसके बाद में फोर्टी थ्री नंबर की बात करती हैं द डेस डे टाइम कैन बी डिफाइंड एज ए टोटल सम ऑफ टाइम्स वेन एन इक्वमेंट इज आउट ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू ए डेफेक्ट ओके देन इसे फोर्टी थ्री नंबर का राइट right आंसर क्या है डाउन और उसके बाद में है ट्रैक्शन मैक्सिमम इन ए फील्ड वैन जो ट्रैक्शन है वो मैक्सिमम कब होता है ठीक है एक फील्ड में तो कब होता है द फील्ड इज ड्राई जब जो खेत है वो क्या होगा गीला होगा ड्राई होगा और उसके बाद में है इन ट्रैक्टर टायर जो ट्रैक्टर के टायर्स होती हैं डेस्टेस इज द डायमेंशन मेजर फ्रॉम द एक्सल सेंटर लाइन टू द ग्राउंड वेन द टायर इज अंडर लोड ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ए स्टेटिक लोडिंग रेड्यूज ओके उसके बाद में है इफ़ बॉडी वेट एंड हाइट ऑफ ए पर्सन आर 80 के जी एंड 160 सिक्सटी सेंटीमीटर यानी कि बॉडी वेट है कोई इंसान है उसका 80 के है और उसकी हाइट है 160 सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मास इंडेक्स ठीक है बी एम आई जिसे बॉडी मास इंडेक्स बोलती है ए, मतलब कि उस को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा किस कैटेगरी में रखा जाएगा नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर जो है वो है बी यानी कि क्लास फर्स्ट ओबेस ठीक है <coughs> सॉरी फिर है इन एंथ्रोपोमेट्री

ठीक है तो इसे <coughs> क्या बोला जाता है तो फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट right आंसर है सिक्यूलर ठीक है उसके बाद में है द डेस्टेस्ट इज ए फंडामेंटल प्रोसेस टू टेक न्यूट्रेंट्स डेस्टेस्ट जो है वो क्या एक है एक फंडामेंटल प्रोसेस है टेक न्यूट्रेंस इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स एंड कन्वर्ट देअर केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है तो इसे क्या बोला जाता है मेटाबोलिज्म ठीक है उसके बाद में है द एरिया विद इन विच मैनुअल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इजिली इज डिफाइन एज तो इसे किस तरह से डिफाइन किया जाएगा तो इसका राइट right आंसर क्या है रिच इनवेलोप्स के रूप में ठीक है उसके बाद में है द एवरेज ओरियंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट ओवर टाइम इज डिफाइन एज ठीक है जो बॉडी पार्ट का एवरेज ओरिएंटेशन होगा उसे किस किस टाइप से डिफाइन किया जाएगा ठीक है तो फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट right आंसर है सी यानी कि पोस्चर, और उसके बाद में है मोस्ट इंडिविजुअल विल बी कंफर्टेबल व्हेन इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द ट्रैक्टर कैन कैन बी यानी कि जो ट्रैक्टर का टेम्परेचर है वो किसके मतलब डैश टैस सेंटीमीटर होगा किसके बीच में होगा तब आ, एक मतलब कंफर्टेबल होगा इफेक्टिव टेम्परेचर क्या रहेगा तो 52 नंबर का जो राइट आंसर है वो है 24 से 27 सेंटीमीटर ओके okay. उसके बाद में है एंथ्रोपोमीटर इज यूज टू मेजर एंथ्रोपोमीटर जो है वो किसके किस, किस चीज को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है तो किस चीज को मेजर करने के लिए बॉडी डायमेंशन को मेजर करने के लिए ओके okay. उसके बाद में है ये ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद डिज़ाइन ऑफ मशीन यानी कि कौन सी ब्रांच है साइंस के जिसमें मशीन को डिज़ाइन करने ऑपरेशन करने और वर्क इन्वायरमेंट uh, को मैच करने ह्यूमन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उसे क्या बोला जाता है ठीक है वो कौन सी साइंस है तो इसका जो राइट right आंसर है वो कौन सा है एर्गोनोमिक्स ओके okay. और उसके बाद में है बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम एनारोबिक फ्रेगमेंटेशन कंटेंट्स ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए ठीक एच फोर एंड CO2 टू okay. ओके और उसके बाद में है मैथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया वर्क बेस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ डेस्ट सेंटी डिग्री सेल्सियस यानी कि जो मैथेन फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होंगे वो किस टेम्परेचर रेंज पे अच्छा काम करेंगे तो फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है कि फोर्टी से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पर वो बेस्ट काम करेंगे एनर्जी ठीक है तो किसके प्रोपोर्शनल uh, होगी तो फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है क्यूब के ठीक है उसके बाद में है द लाइन ऑफ पुल टू ट्वेंटी ट्वेल्व डिग्री विद ओरिजेंटल एंड फिफ्टीन डिग्री इन वर्टिकल प्लेन विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ एमबी प्लाउ जिसे मोल बोल प्लाउ बोला जाता है द ड्राफ्ट ड्राफ्ट विल बी तो उस टाइम जो होगी वो क्या होगी तो इसका राइट आंसर है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स के एन ओके दे उसके बाद में फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल जो डीजल इंजन जो डीजल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेस देन वन उसके बाद में है फोर ए लीनियर equation इक्वेशन कन्वेक्स सेट ऑफ is इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ ठीक है किस रीजन में उसे इंक्लूड किया गया है तो इसका राइट right आंसर क्या है फीजिबल solution में ठीक है उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फोर एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है तो उसका राइट right आंसर है बी यानी कि मैक्सीमाइज एंड minimize फॉर द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई विच ऑफ दुड बी ए लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स और वाई प्रोडक्ट के लिए इनमें से कौन सा है जो लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो करता है Then इसका राइट right आंसर है डी सी इक्वल टू एक्स प्लस में टू वाई ठीक है उसके बाद में है पीई आर टी एनालिस इज बेस्ड ऑन

और उसके बाद में है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इन ये टू बॉटम एम्बे प्लाउ बॉटम यूजफुल एजूम टू बी लोकेटेड एट कहां पे लोकेटेड होती हैं तो सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है हाफ ऑफ विट ऑफ तो कट में ठीक है सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है डिस्क एंगल ऑफ द डिस्क प्लाउ यहाँ पे प्लाउ था प्लाउ वेरीज इन द रेंज ऑफ ठीक है तो 66 नंबर का जो राइट आंसर है वो कौन सा है बी नंबर 42 डिग्री से फोर्टी uh, टू डिग्री से 45 डिग्री ठीक है डिस्क एंगल होगा इसका फिर है मूविंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रैक्टर टूवॉर्ड इट रियर व्हील क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ ठीक है क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं ओवर टर्निंग की ठीक है उसके बाद में है इफ़ नंबर रिवल्यूशन ऑफ ग्राउंड व्हील ऑफ ए सी ड्रिल इज नाइट एन एंड डायमीटर डी द सीट स्पेसिंग विल बी तो सीट की स्पेसिंग क्या रखेंगे क्वेश्चन है ये आ, इसका आंसर नहीं है ये नो, आ, valued में रखा गया है ठीक है उसके बाद में सिक्सटी नाइन है जो है लोड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टायर इंक्रीज विद ठीक है तो किसके साथ इंक्रीज होती है सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट इन्फ्लेशन प्रेशर के साथ फिर है द परसेंटेज ऑफ सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अनथ्रेस्ड ग्रेन जो कि अभी थ्रेसिंग नहीं किए गई हैं अनथ्रेस्ड ग्रेन डिस्चार्ज एट द रियर ऑफ द कंबाइन इज नोन एज तो उसे क्या बोला जाता है नोन एज तो उसके बाद में इसे सिलेंडर लॉस बोलते हैं ठीक है और उसके बाद में विच लीनियर स्ट्रक्चर हैज ए प्रोविजन ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट एल आई एफ ओ ठीक है मैकेनिज्म फॉर इट्स एलिमेंट ठीक है तो सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है स्टॉक फिर है वेयर इज द रूट वेयर इज द रूट डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क प्लेस ठीक है तो सेवेंटी टू नंबर का राइट right आंसर है एट ए फिक्स लोकेशन ऑन द सिस्टम डिस्क ठीक है तो सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट कोडेड ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज इज़ टर्म्ड एज ठीक है असम्बली uh, लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना ट्रांसलेट्स uh, करना कन्वर्ट करना कोडेड को तो सेवेंटी थ्री नंबर का राइट आंसर क्या है ए असेंबलर और उसके बाद में है हाई ऑर्डर फंक्शन आर नोट बुएल्ड इन टू द तो सेवेंटी फोर नंबर का राइट आंसर क्या है स्ट्रक्चर लैंग्वेज और उसके बाद में है डाटा टाइप इज शिफ्टेड फ्रॉम शॉर्ट टाइप टू लॉन्ग टाइप व्हेन ठीक है शॉर्ट uh, टाइप से लॉन्ग टाइप कब होता है तो सेवेंटी फोर नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन है उसका राइट right आंसर है वैल्यू रेंज इंक्रीज जब वैल्यू रेंज जो होती है वो इंक्रीज होती है ठीक है उसके बाद में है द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक बाय ए तो किसके द्वारा चेक किया जाता है सेवेंटी सिक्स नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है सी रिंग एच के द्वारा और उसके बाद में है इन एकर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक एकर इज प्रोड्यूस विद पिन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड बाय तो सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लो ऑफ करंट ठीक है सॉरी इन फोर इन फोर हैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड तो सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके उसके बाद में था डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज फिफ्टीन एम एम एंड आरपीएम ऑफ ड्रिल इज फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट तो मीटर पर मिनट उसकी कटिंग स्पीड जो है वो क्या रहेगी तो क्या रहेगी पॉइंट ट्वेंटी थ्री से फाइव फाइव ठीक है उसके बाद में है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट यानी कि शाफ्ट के इंटरनल और uh, एक्सटर्नल डायमीटर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है थिकनेस ऑफ पार्ट एंड डेफ ऑफ तो होल इनको मापने के लिए तो वो क्या है देन एटी नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है वर्नियर क्लिप ठीक है उसके बाद में है एटी वन नंबर क्वेश्चन लाथिस पिंगल हैज गोट तो एटी वन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है एक्सटर्नल थ्रियड्स ठीक है उसके बाद में है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो एस्टिमेशन uh, का लॉन्ग और शॉर्ट वॉल मेथड है द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड ठीक है तो जो लॉन्ग मेथड है उसका क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है और फिर वॉल का है तो एटी टू नंबर का राइट right आंसर जो है वो है बी नंबर हाफ ब्रिक ऑफ वॉल ऑन ईच साइड ओके उसके बाद में एटी थ्री नंबर क्वेश्चन द मॉड्यूलर डायमेंशन ऑफ ए ब्रिक्स आर मॉड्यूलर जो डायमेंशन होता है ब्रिक्स का वो क्या होता है तो एटी थ्री नंबर का क्वेश्चन का राइट right आंसर है ई टू हंड्रेड एम एम इंटू हंड्रेड एम एम इंटू हंड्रेड एम एम ओके उसके बाद में है सिलिका इन सीमेंट ठीक है तो एटी फोर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सेटिंग टाइम और उसके बाद में है द लाइम कंटेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट इज जो लाइम कंटेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट में वो कितना होता है तो एटी फाइव का राइट आंसर सिक्सटी परसेंट टू सेवेंटी परसेंट होता है उसके बाद में विच ऑफ दॉट ए प्राइमरी क्वान्टिटी इनमें से कौन सी जो प्राइमरी क्वान्टिटी नहीं है तो डी नंबर है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है और उसके बाद में वट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स जो फोर्स है उसका डायमेंशन मतलब क्या है तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है ई एम एल टी माइनस टू और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द डायमेंशन एम डिग्री एल डिग्री टी डिग्री ठीक है तो इसका क्या होगा 88 नंबर का राइट right आंसर है सी जो कि स्ट्रेन एटी नाइन नंबर क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल लेस इक्वेशन लेस इक्वेशन जो है वो कौन सी है तो डी नंबर है ऑल ऑफ दिस ये तीनों ही जो है ये डायमेंशनल लेस इक्वेशन है ठीक है उसके बाद में इफ देयर आर सिक्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड थ्री फंडामेंटल यूनिट्स ठीक है अगर सिक्स फिजिकल क्वांटिटीज हो और थ्री फंडामेंटल यूनिट्स हो देन द नंबर ऑफ पी आई एज जो नंबर है पीआई के उन्हें किस वो टर्म कौन सी है तो इसका सी है थर्ड ठीक है उसके बाद में है द यूनिवर्सल गेट इज यूनिवर्सल गेट तो इसका राइट आंसर है डी गेट ठीक है डी जो गेट है वो क्या है यूनिवर्सल गेट उसके बाद में है ए सिंगल ट्रांसिस्टर कैन बी यूज टू बुल डेस्ट गेट ठीक है एक सिंगल जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज आ, किस कैट को आ, मतलब अप करने के लिए यूज में लेते हैं तो इसका राइट आंसर है नोट गेट ठीक है उसके बाद में है ए ट्रांजिस्टर है जंक्शन तो नाइनटी थ्री नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है टू ठीक है उसके बाद में है ए जेनर डायोड इज यूज एज जो जेनर डायोड है वो किस लिए यूज किया जाता है तो किस लिए यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए उसके बाद में ट्रांजूजर एंड इट इम्प्लॉयड फॉर दर्टिंग किस लिए यूज में लेते हैं नंबर का का क्वेश्चन राइट आंसर लिएनिकल डिसमेंट इन टू ए चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है फिर है क्लोज कंटूर विद लो वैल्यू इन साइड द लूप इंडिकेट एज ठीक है तो क्या इंडिकेट करता है ये डिप्रेशन को ठीक है उसके बाद में नाइन्टी की बात करते हैं नाइनटी सेवन नंबर क्वेश्चन है कंटूर मेक एन एंगल ऑफ डेक्स टेस्ट विद ए रिज और ए वैली लाइन ठीक है तो वो कौन सा एंगल बनाते हैं कंटूर में नाइनटी सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है डी नाइनटी डिग्री ठीक है उसके बाद में है द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए फाइव मीटर लॉन्ग मैट्रिक चेन आर तो फाइव मीटर लॉन्ग मैट्रिक चेन में जो लिंक्स होती हैं नाइनटी एट नंबर क्वेश्चन का राइट का आंसर right है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव होते हैं उसके बाद में है ओरिएंटेशन ऑफ ग्रीन हाउस इन ओडिशा शुड बी किस uh, किस साइड में होता है नाइनटी नाइन नंबर का है नॉर्थ uh, साउथ और उसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन एस आई यूनिट इज तो एस आई यूनिट कौन सी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड देन आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको आ, कुछ भी आ, समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं एंड आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय